नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया के अपडेट भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि दुबई के बाद में सऊदी एक ऐसी कंट्री है कि वो हर सिस्टम में बदलाव करती जा रही है। जी हाँ, दो विज़न उनका 2030 आपको पता है कि भाई सेम यूएई से भी हम बढ़ के कुछ दिखाएं दुनिया को, ताकि पूरा वर्ल्ड सऊदी पे एक तरह से इनकी निगाहें बन जाएं। वो एक टूरिस्ट हब उनको बनाना चाहते हैं। ये एक तमगा अब उनके ऊपर है कि क्या यार, पेट्रोल बेचते हैं पैसा कमाते हैं, वो एक तमगा हटाना चाहते हैं कि भाई हम पेट्रोल पर डिपेंड नहीं है, हमारे पास और भी इनकम के सोर्सेज हैं। जी हाँ, इसको देखते हुए सऊदी में सरकार जो लेबर लॉ है जिनको बोल सकते हैं, उन्होंने एक बदलाव नियमों में किया है। बदलाव कौन सा है मैं बता दूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग सऊदी में जॉब कर रहे थे। कैसा भी बंदा जिनको इंडिया में जॉब नहीं मिलता उनको सऊदी में जॉब मिल जाता है, चाहे वो लेबर कैटेगरी हो चाहे वो कैसी भी हो, आप सबको पता ही है। जी हाँ, लेकिन इसको देखते हुए सरकार ने कुछ नियम चेंज किए हैं। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं बता दूँ, इसमें आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम किनको आने वाली है। हालांकि लेबर कैटेगरी की हम बात यहाँ पे कुछ हद तक नहीं करेंगे, हालांकि सरकार का टारगेट है वही है, अनट्रेड लेबर, मान लो लेबर कैटेगरी, उनकी संख्या को कम करना और अच्छे लोगों को भर्ती करना मेन मोटिव सबका होता है। भाई आप देख लो, आपके पास कोई बिजनेस है, आप भी ये चाहोगे यार अच्छा बंदा मिले, एक्सपीरियंस वाला मिले जो जाते ही अपना काम स्टार्ट कर दे। जी हाँ, जिनको ट्रेनिंग देने की या वगैरह वगैरह जरूरत नहीं है सामान समझाने की, या उसको ट्रेनिंग की भी साल भर ये सीखेगा फिर उसको क्वालिफाई सामान काम करने में होगा। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करें, जो बदलाव किया है वो एक वीडियो मैंने लगभग 4-6 महीने पहले भी इस बात पे बनाया था कि ये कानून होने वाला है, अब ये जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा। जी हाँ, आप समझ सकते हैं जुलाई 2021 अभी चल रहा है, आने वाले दिन में अगले महीने में अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें करना क्या है कि जैसे इंडिया से मान लो कोई वर्कर सऊदी अरबिया में जॉब के लिए जाते हैं, तो पहले ऐसे यहाँ से वीज़ा लिया, टिकट लिया, चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो काम करते हैं, उनको सिखाते हैं या जिनको आता हो कर लेते। अभी उन्होंने एक नियम ये बनाया है कि भाई जो लोग इंडिया के या किसी भी देश के, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, सऊदी में आते हैं, तो उनको पहले सऊदी सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर की हम बात करें तो मैं समझा दूँ आपको, जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में सऊदी अरबिया जाते हैं किसी भी देश में, तो कुछ जैसे दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर है, बॉम्बे में ट्रेनिंग सेंटर, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है। जैसे आप मान लीजिए प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं या किसी भी कारीगर हैं, तो आप अगर वहाँ गए, वहाँ ऑफिस वाले आपको भेजते हैं कि वहाँ जाके आप इंटरव्यू दो, वहाँ पे आपसे काम करवाएंगे, फिर आपका काम देख के आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे 100 नंबरों का वो आपका टेस्ट होता है, उसमें आपको 90 नंबर आ गए तो आप फर्स्ट ग्रेड के कारीगर हो, फिर 70, 80, 60 आ गए तो सेकंड ग्रेड के कारीगर हो, 50 से नीचे रह गए तो थर्ड ग्रेड के कारीगर हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी मिलती है। जी हाँ, और एक दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान्यता प्राप्त क्या होता है, एक तो वो हो गया ट्रेनिंग सेंटर, एक जैसे आप गल्फ कंट्रियों के मेडिकल करवाते हैं गमका में, वो सर्टिफाई है वहाँ की सरकार से, यूएई की, दुबई की या सऊदी की, कुवैत की, वहीं आपका मेडिकल होता है, गमका मेडिकल सबको पता है। वहाँ अगर आपने मेडिकल करवा लिया, जैसे राजस्थान में जयपुर होता है, दिल्ली होता है, अलग अलग होता है, वहाँ आपने मेडिकल करवा के उसमें फिट हो गए तो आपका वीज़ा निकल जाएगा, वहाँ आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि वो वहाँ की सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है। वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे, एग्ज़ाम सेंटर से आपको मान्यता प्राप्त जहाँ पे हैं सऊदी सरकार द्वारा, वहाँ पे आपको जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। अच्छी जॉब की बात करें तो एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम में आप पास हो गए तो आपको ये, हाँ ठीक है, बाद में आया जैसे सिद्धांत से रिलेटेड, व्यवहार बंदे का कैसा है, योग्यता क्या है, डॉक्यूमेंट सही है क्या इंडिया में, उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो तो फिर आपको वीज़ा लगेगा बाद में। पहले तो वीज़ा आया, वीज़ा लग गया, वहाँ पे सर्टिफिकेट बनने के बाद में आपके वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट में मोहर लगेगी, ऐसा सऊदी सरकार ने नियम बनाया है। ये सुनने में यह है कि भाई जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह का एग्ज़ाम आपको देना होगा। सेम एग्जांपल ट्रेनिंग सेंटर या गमका मेडिकल सर्टिफाई है सऊदी सरकार से, वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर सर्टिफाई रहेंगे। जी हाँ, जो ऑनलाइन मान्यता प्राप्त होंगे। अगर इसका सीधा सा रीज़न क्यों है भाई, ये क्यों हो रहा है, हालांकि इसमें अच्छी बात है कि यहाँ पे आप पास हो गए तो वहाँ आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा वहाँ पे कि भाई यहाँ एग्ज़ाम पास करके गए वीज़ा लेके फिर आपको जाते वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बिठा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहीं के बेस पे आपको डायरेक्ट वहाँ जाते ही जॉब मिल जाएगा, ये अच्छी बात। इसका सीधा सा रीज़न क्या है भाई, जो वहाँ के वर्कर से रिलेटेड या श्रम बाज़ार में सुधार करना, सीधी सी बात है सुधार करना,
अकुशल कारीगर होते हैं उनको रोकना, यहाँ से लोग, हाँ जी मैं मिस्त्री हूँ जी, मैं इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हूँ, यहाँ से एजेंट पर बना के भेज देते हैं, वहाँ इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं, उनके बाद उनको लेबर में डालना पड़ता है, समझ रहे हो बात को। फिर यहाँ पर वो बोलता है मैं तो जी ट्रेनिंग, मैं तो प्लम्बर में आया था, मैं तो इलेक्ट्रिशियन में आया था, मैं तो ये आया था, मैं तो यहाँ लेबर में काम नहीं करूँगा, मैं तो वापस इंडिया जा रहा हूँ, पैसे तैयार रखना भाई। ऑफिस वाले को फ़ोन करके धमकाते हैं। फिर अब बताओ जी गलती किसकी भाई, जो ट्रेड में आप यहाँ से आपकी 1300, 1400, 1200 जो अग्रीमेंट लगा के मेसन में, कारीगर में, इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में, यहाँ का आपका अग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ वो काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को काम नहीं आता, हालांकि ये अभी ठीक हो गया, बिना इंटरव्यू तो सिलेक्शन ही नहीं होता, वीज़ा नहीं आता। यहाँ पे इंटरव्यू देते हैं अलग अलग जो बना के रखते हैं ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे इंटरव्यू पास हो जाते हैं तो ये उनका ऑफर लेटर पे साइन होता है, उसके बाद वीज़ा आ जाता है। तो कुछ हद तक ये सिस्टम रुका है अभी कि वहाँ जाके लेबर में डालना, फिर काम नहीं करना, वापस आना, माथापच्ची वाला काम हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। तो सऊदी सरकार भी ये चाहती है कि भाई लेबर लॉ में बदलाव हो, लोगों को फ़ायदा हो, इंडिया से अपने अपने देशों से ट्रेंड होके आए तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। जी हाँ, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।